हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सृजन आर्किटेक्ट्स पर। सो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये सिंगल स्टोरी विलेज हाउस प्लान के बारे में एंड इसके ब्यूटीफुल से ब्रेक एलिवेशन के बारे में। सो दोस्तों, आज हम देखेंगे 25 फीट बाय 27 फीट का ये सिंगल स्टोरी विलेज हाउस प्लान, जो कि गज में आपको 75 गज मिल जाता है, मीन्स 675 स्क्वायर फीट। आज हम जानेंगे इस घर के कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के बारे में, कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के बारे में, नंबर ऑफ रूम्स के बारे में। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर दीजिएगा ऐसे ही ब्यूटीफुल होम डिज़ाइन एंड ब्रिक एलिवेशन देखने के लिए। तो चलिए चलते हैं इसके 3D प्लान की तरफ। सो दोस्तों, इसके प्लान डिटेल की अगर बात करें तो ये हमारा प्लॉट साइज 25 बाय 27 में जो हमने डिज़ाइन किया है, इसमें आपको सिर्फ ग्राउंड फ्लोर देखने को मिलता है। दो बेडरूम के साथ आपको देखने को मिल जाता है, एक कॉमन टॉयलेट आपको इसमें मिल जाता है, एक ड्राइंग रूम मिल जाता है, एक किचन स्पेस मिल जाती है, पार्किंग की स्पेस कोई भी आपको प्रोवाइड नहीं है अंदर की साइड, स्टेयर्स आपको अंदर से मिल जाती है एंड कॉस्ट इसकी जो पड़ेगी आपको 10 लाख के नीचे देखने को मिलती है। सो दोस्तों, ये आज हमारा इसका 3D प्लान जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं, जो हमने डिज़ाइन किया है 25 फीट बाय 27 फीट के एरिया में। इसमें आपको टोटल 12 कॉलम देखने को मिल जाते हैं, कुछ इस तरीके से प्लेस किए हुए हमने कॉलम इसमें, जो कि ग्रिड में प्लान है, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। चलिए अब चलते हैं इसके लेवलिंग की तरफ। तो देखिए, कुछ इस तरीके से हमें स्टेयरकेस देखने को मिलती है, जो कि रोड लेवल से हमारा अप्रॉक्स 1.5 फीट ऊपर है देखने को मिलती है, दो स्टेप के बाद आपको ये एक्सेस करने को मिलता है। अब चलते हैं इसके हमारे फ्लोरिंग लेवल पर और देखते हैं किस तरीके से हमें देखने को मिलता है। तो देखिए, ये बेसिक इसका फ्लोरिंग लेवल, जिसमें आपको स्टेयरकेस देखने को मिल रही है और साथ ही में कॉलम। अब इसमें वॉल्स ऐड करते हैं, देखते हैं किस तरीके से हमने वॉल्स प्लेस किए हैं और क्या क्या स्पेसेस आपको देखने को मिलते हैं। कुछ इस तरीके से सभी वॉल्स ऐड करने के बाद हमें ये देखने को मिलता है, आप देख सकते हैं। अब इसमें डोर एंड विंडो की प्लेसमेंट देख लेते हैं, हमने डोर एंड विंडो की प्लेसमेंट कहाँ कहाँ प्लेस किए हैं। सो कुछ इस तरीके से सारी डोर एंड विंडो प्लेस होने के बाद हमें देखने को मिलता है ये हमारा हाउस प्लान, आप देख सकते हैं। इसके 2D प्लान एंड रूम साइजेस की बात हम वीडियो में आगे करेंगे, अभी हम 3D स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका किस तरीके से रहने वाला है। दोस्तों, इसके नेक्स्ट लेवल की बात करें तो हमारा ये लिंटर लेवल कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, देन हमारा वॉल्स एंड इसके बाद हमारी बीम स्ट्रक्चर, तो कुछ इस तरीके से आपको ये देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं इसके टेरेस फ्लोर की, तो हमारा टेरेस कुछ इस तरीके से डिज़ाइन है। अब जो मम्टी एरिया में हमने डोर एंड विंडो प्लेस किए हैं वो हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से रहने वाले हैं। तो कुछ इस तरीके से इसका डोर एंड ये लॉन्ग विंडो रहने वाली है, देखिए कुछ इस तरीके से हमारा एलिवेशन निकल के आता है। अब इसमें ऐड कर लेते हैं हम जो हमने पैरापिट वॉल पे डिज़ाइन दिया है, उसको ऐड करके देखते हैं किस तरीके से हमें देखने को मिलता है। तो कुछ इस तरीके से हमें इसका पैरापिट वॉल डिज़ाइन देखने को मिलता है। अब इसके रूफ़ की अगर बात करें तो हम वो भी ऐड करके देख लेते हैं किस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। अब इसका एक फाइनल व्यू लेके देखते हैं, तो कुछ इस तरीके से आपको ये एलिवेशन देखने को मिलता है। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से हमें ये प्लान देखने को मिलता है। इसके प्लानिंग की और साइजेस की अगर बात करें तो हमारे 3 स्टेप हमने रोड लेवल से ऊपर लिए हुए हैं, इसका जो प्लिंथ लेवल है वो हमने अप्रॉक्स 1.5 फीट ऊपर लिया हुआ है रोड लेवल से। तो कुछ इस तरीके से आपको 3 स्टेप से एंट्री देखने को मिलती है। 4 फीट वाइड एंट्री गेट से हमें एंटर होते हैं एक ड्राइंग रूम में, जिसका साइज हमें देखने को मिलता है 12 फीट 9 इंच बाय 9 फीट का। इसके आगे चलते हैं तो हमें स्टेयरकेस देखने को मिलती है, जो हमें टेरेस लेवल पर लेके जाती हैं। सामने की साइड इसमें एक बेडरूम देखने को मिलता है, जिसका साइज हमें देखने को मिलता है 12 फीट 9 इंच बाय 9 फीट का। तो कुछ इस तरीके से बेडरूम रहने वाला है। इसकी वेंटिलेशन के विंडो हमने इस साइड प्रोवाइड की है। बाहर की साइड आते हैं तो हमें एक और रूम देखने को मिलता है, ये वाले रूम का साइज हमें देखने को मिलता है 10 फीट बाय 9 फीट का। साथ ही में बाहर की साइड एक कॉमन टॉयलेट देखने को मिलता है, जिसका साइज हमें देखने को मिलता है 6 फीट बाय 6 फीट का, जो कि इस डेर के जस्ट सामने है। एंड देन ये वाली एंट्री से हम किचन के अंदर एंटर होते हैं, किचन आपको देखने को मिलता है 10 फीट बाय 9 फीट का, जिसकी विंडोज हमने दोनों साइड प्रोवाइड की हैं। तो इस घर में आपको चारों तरफ विंडोज़ देखने को मिल जाएंगी, तो कुछ इस तरीके से रहने वाला है। सर्विस हैज भी हमने इधर प्रोवाइड किया हुआ है टॉयलेट वेंटिलेशन के लिए। इन दोनों रूम में आपको विंडो मिल जाती है, किचन में भी विंडोज़ आपको दोनों साइड मिल जाती है एंड ड्राइंग रूम में फ्रंट में आपको देखने को मिल जाती है एक विंडो। तो डे टाइम में आपको लाइट का कोई भी इशू नहीं आएगा इस घर में,
तो कुछ इस तरीके से हमारा जो प्लान था वो रहने वाला है। अब आप देख सकते हैं इसके 2D प्लान आपकी स्क्रीन पर। अगर आपको साइज में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट्स हैं, तो आप उससे टैली कर सकते हैं। अगर आपको इस डिज़ाइन से रिलेटेड कोई भी क्वारीज हैं, कोई भी डाउट्स हैं, तो आप कमेंट में हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगा एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं एंड ऐसे ही डेली अमेजिंग हाउस प्लान 3D एंड एलिवेशन देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। हम ऐसे डेली आप लोगों के लिए हाउस प्लान 3D लेकर आते रहते हैं, स्मॉल हाउस प्लान। एंड अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है किसी हाउस प्लान को रिगार्डिंग, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम वो आपके लिए वीडियो फॉर्मेट में ज़रूर लेके आएंगे। एंड अगर आपने अभी तक हमारा चैनल विजिट नहीं किया है तो ज़रूर से कीजिएगा। हमने ऐसे कई सारे 3D एलिवेशन प्लान वीडियो फॉर्मेट में आप लोगों के लिए अपलोड किए हुए हैं। सो दोस्तों, ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ऐसे ही अमेजिंग हाउस प्लान वीडियो एंड 3D एलिवेशन देखने के लिए। अब हम आपको मिलेंगे ऐसे ही अमेजिंग 3D हाउस प्लान या एलिवेशन डिज़ाइन के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।